फ्यूल आपने नहीं बताया, फ्यूल के लिए बहुत लफड़ा। एकदम हम अरे 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 रुक रुक हम बैठेंगे, चला गया सर। ओ भैया अरे और वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर से आए न्यू बिहार ऑटो और आज यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी खतरनाक मॉडिफिकेशन हुआ है। स्टैंडर्ड पे साइड कार अटैच्ड है तो सबके बारे में बताएंगे कैसे क्या हुआ। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ न्यू बिहार ऑटोमोबाइल में, तो उनका इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह सब है, वहाँ चेकआउट कर लेना। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले बुलेट से स्टार्ट करते हैं, तो ये बुलेट बहुत ही पुराना वर्जन है और इसका जो गियर वगैरह है वो सब आपको राइट साइड प्रेजेंट किया हुआ है और लेफ्ट साइड में आपको ब्रेक वगैरह, तो आप राइट साइड ब्रेक्स वगैरह से समझ सकते हो कितनी पुरानी ओल्ड मॉडल की ये स्टैंडर्ड है। इसे रिकवर किया गया है, क्लासिक का सस्पेंशन वगैरह यूज़ हुआ है, डिस्क ब्रेक वगैरह यूज़ हुई है, स्टैंडर्ड का व्हील है, स्पोक वगैरह और बॉडी वगैरह इधर भी देख सकते हो आप लोग, सीट वगैरह सब रीन्यू हुआ है इस पर और सी बैंड है ना, सी बैंड लगा हुआ है। एग्जॉस्ट वगैरह कौन सी है, इंदौरी टाइप सिलमन का है और रेयर पोर्शन भी इसका जो टेल लाइट है वो सब भी सब न्यू स्टैंडर्ड का इंस्टॉल हुआ है। तो इस वीडियो का मेन मकसद इस बुलेट नहीं है, ये साइड कार है। तो ये साइड कार देख लो, ये कहाँ पे मिला था, बैंगलोर साइड कहीं पे ना। तो एक बंदे ने बैंगलोर या कर्नाटका साइड से इसका सिर्फ ढांचा उठाया था, मतलब इसका ये थोड़ा बहुत पोर्शन था और एक व्हील वगैरह अटैच था, लेकिन यहाँ पे ये कंप्लीट रीन्यू हो गया, पूरा बैलेंस वगैरह सब हो गया है बुलेट के साथ कि अभी आप चलाओगे भी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा गाड़ी एक तरफ आपको खींचते जा रहा है इस पर। और इसे बैंगलोर से ही उठाया गया था ना, मतलब अब तुम ही लोग उठाया था, तो करेक्शन है कि यही लोगों ने, मतलब न्यू बिहार ऑटो वगैरह ने ही बैंगलोर में कहीं पता किया और कोई केरला का बंदा इसे परचेज करने, मतलब कि इसे ख़रीदने के लिए आ चुका है, लेकिन अभी तो ये हम लोग के पास है। थोड़ा बहुत टाउन वगैरह पे निकलेंगे इस पर। और ये सब देख रहे हो फ्रेम वगैरह, ये फ्रेम हो गया, यहाँ पर जितना अटैचमेंट्स वगैरह हो गए, जैसे ये सब जो पोर्शन अटैच हुआ है इसका इनसाइड वगैरह, यहाँ पे सीट वगैरह देख सकते हो, ये कुशनिंग वगैरह ये सब यहाँ पे हुआ है, मिरर्स ये जो इसके शीशे लगे हैं और इधर शॉकर वगैरह जो लगा है, इस पर शॉकर नहीं लगा हुआ था, सिर्फ टायर लगा हुआ था, तो ज़्यादा जर्स वगैरह में आपको हेल्प करे उसके लिए ये भी लगा दिया गया है। और ये पोर्शन मडगार्ड भी फिक्स हुआ ना, और बैकलाइट इस पर भी है, तो बैकलाइट आप देख सकते हो इस पर भी जल रहा है, ऊपर में भी जल रहा है, तो मतलब कि एकदम कंप्लीट जो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा वैसा ही बना दिया गया है। मिरर्स वगैरह भी यहाँ पे लग गए हैं और इसका वेल्डिंग्स वगैरह सब नीचे से हुआ है, तो एक बार नीचे देख लो आप लोग। और ये सिर्फ इसका ढांचा आया था, इसे भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया था, कंप्लीट टूटा फूटा ही आया हुआ था। मतलब तुम्हारे पास क्या क्या आया था, बुलेट तो तुम्हारे पास पहले से था। हाँ, ये आया था और ये खाली ये फ्रेम आया था, शॉकर उकर इसमें कुछ नहीं था, रॉड लगा हुआ था, सब अपना किए शॉकर उकर लगाए, तो सिर्फ वो फ्रेम आया हुआ था और ये फ्रेम लगा हुआ था और व्हील वगैरह लगा हुआ था, उससे बस एक आइडिया दिया हुआ था कैसे क्या करना है। उसके बाद कंप्लीट रिकवरी, इसका कंप्लीट मॉडिफिकेशन हुआ न्यू बिहार ऑटो पे। और वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार मैं बैठ के आया, उसमें जब टर्न लेते हो तो एक कोई झूला टाइप का फीलिंग आता है जैसा कि डिज्नीलैंड वगैरह में लगा रहता है,
तो कोई भी मेले वगैरह अगर आप लोग गए होगे तो वैसा भी फील इस पे आता है। और इसका एक राइड लेंगे, ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे बिकॉज शाम हो चुका है, सुबह ही लेंगे। और एक बार आप लोग देख लो क्या फिनिशिंग किया गया है यहाँ पे, इसके अंदर का क्या फिनिशिंग है। कंप्लीट फोम के आपको देख सकते हो बॉडी, मतलब वॉल वगैरह जो है इनसाइड वॉल, उसमें फोम लगा दिया गया है। और नीचे में ये वाला जो आपका कार वगैरह में जो प्रेजेंट रहता है वो लगा, सीट वगैरह खुद की बनाई हुई है, ये वाला पोर्शन भी खुद का बनाया हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया था। और ये रॉड वगैरह भी लगा हुआ था इस साइड में, ये रॉड, लेकिन जब इसे रिन्यू किया गया तब ये पोर्शन मडगार्ड वगैरह लाइट वगैरह सब का वर्क कर दिया गया, वायर्स वगैरह अंदर से ही कनेक्ट है, ये लाइट वगैरह जलता है। और ऐसा ना लगे कि सिर्फ बुलेट आ रही है रात में, इसीलिए उस पर भी लाइट लगा दिया गया है। और फ्रंट में भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी लाइट लगा हुआ है। और बाइक को देख सकते हो, रुको स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइट आप देख सकते हो। और बुलेट को मतलब कि स्टेबल बनाने के लिए ये सब फ्रेम्स वगैरह को अच्छे से लगाया गया, नहीं तो दिक्कत ये हो रहा था कि जब बुलेट चल रही थी तब लग रहा था कि एक साइड पूरा अच्छा खासा खिंचा रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, अभी कंप्लीट सही हो चुका है। और ये वाली बुलेट जो है वो देख सकते हो राइट साइड में आपका गियर्स वगैरह सब प्रेजेंट है, तो ओल्ड मॉडल को इसको भी रिफाइन मतलब रिन्यू करके उसको भी फिर अटैच किया गया है यहाँ से। तो पहले कहाँ कहाँ से अटैच हुआ, नीचे एक लेग गार्ड के पोर्शन, अच्छा एक चेचिस पे एक अटैचमेंट है, ये प्लेट पे सामने, ये चेचिस का प्लेट पे एक यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है, एक ऊपर में यहाँ पर सस्पेंशन के नीचे, एक सस्पेंशन के नीचे इस साइड में, ये यहाँ फुटरेस्ट के पास, और फुटरेस्ट को हटा कर वो यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है ना, वेल्डिंग करके नट बोल्ट सिस्टम यहाँ पे, नट बोल्ट के खोल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, जब मन चाहेगा आप फोल्डिंग सिस्टम है खोल के हटा सकते हो। तो इसे जब आपका एज अ डिजायर जैसा करे कि आप लोग खोल के हटा भी सकते हो इसको, या फिर परमानेंट रह भी सकते हो। और इसकी यहाँ पे शॉकर इसलिए दिया गया है कॉज इसमें आपको जर्क वगैरह फील ना हो, साथ साथ में जो इसका टायर्स वगैरह इसका जो निकाल के यूज़ किया गया है, फोक्स वगैरह सब स्टैंडर्ड का यूज़ किया गया है और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया गया है इसे। और ये पोर्शन भी आप देख सकते हो क्लासिक वगैरह का टायर वगैरह यूज़ हुआ है, तो एक कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी दी गई है इसको स्टेबिलिटी वगैरह के साथ में, तो काफ़ी ख़तरनाक मैकेनिज़म यूज़ हुआ है। तब अंकल आ गए हैं, एक बार आप बैठते हैं चला के देखते हैं कैसा लगता है। तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने इसका एक शॉर्ट राइड लिया, उतना ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जब टर्न होता है गाड़ी, जब उसका रेडियस बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब एक कार के जैसा मैं बोलूँगा उस टाइप का लगता है। अगर आप लोग यहाँ बैठोगे जैसा मैं फील कर रहा हूँ यहाँ बैठने के बाद, जब टर्न होता लगता है कि ये बॉडी खुल के निकल जाएगा आगे, लेकिन पूरा ड्यूरेबिलिटी इसका है इसीलिए कुछ वैसा नहीं है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक ही बुलेट जो इसमें है वो फिक्स्ड हो गया है, कोई भी बुलेट पे लग जाएगा, क्लासिक पे कोई भी न्यू मॉडल का 2021 एडिशन का भी लग जाएगा, मतलब कोई सा भी बुलेट वगैरह रहे। और बुलेट इसलिए यूज़ किया गया है कॉज पावर के मामले में, देखो तो पावर में बुलेट अच्छा सूट भी कर रहा है और इसको टान भी लेगा। और जैसे कि कोई स्पोर्ट्स बाइक लगाना चाहे तो दिक्कत है, दिक्कत है
तो स्पोर्ट्स बाइक पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा हायर सीसी रहा तो वैसे तो होने नहीं जा रहा है, सिर्फ ये बोलने का है कि स्पोर्ट्स बाइक पे लगेगा, हालांकि सब क्लासिक पे ही लगाएंगे जो अच्छा खासा सूट करेगा। तो अभी जो मेरे पास प्रेजेंट है, जैसा बुल्ट है और जो साइड कार प्रेजेंट है, इसका बजट अप्रॉक्स 2 लाख क्रॉस कर गया है इसे बनाने में, और जो ले रहे हैं उनका शौकीन आदमी है इसीलिए वो ले रहे हैं। अगर आप लोग भी कराना चाहते हो तो साइड कार का हट जाएगा, आप लोग की जैसे बुल्ट रहे वैसे ही पड़ेगा। अप्रोक्स साइड कार का देखा जाए तो कितना लगेगा, अप्रोक्स 80-90-1000-1 लाख तक, 90,000 to 1 लाख तक लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ साइड कार का। और गाड़ी का भी, और बाइक जो बुल्ट है उसके भी इंजन वगैरह की कुछ वर्क वगैरह हुई है, इसलिए अप्रोक्स बजट 2 लाख निकल गया। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम हैंडलिंग दिया हुआ है, वहाँ पे आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो कैसा लगेगा क्या लगेगा। अब चलिए वीडियो करते हैं एंड, और इसका राइड रिव्यू भी एक लेंगे मार्केट में ज़रूर, देखते क्या रिएक्शन आएगा पब्लिक का। रिएक्शन तो रिकॉर्ड एक बार करेंगे, अगर हो पाएगा होप सो, नहीं तो फिर देखते आगे कुछ प्लान करते हैं। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसा होगा पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।